मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और ये मैंने एक सेगमेंट बनाया है आपके लिए, जो आज और आज के बाद जो भी एग्ज़ाम्स आपके हैं उनमें इंग्लिश में जो कॉमन एरर्स आपको दिए जाते हैं उनमें ज़रूर काम आएगा। इधर मेरी तबीयत थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी और वायरल फीवर जैसा कुछ हो गया है, तो जिसकी वजह से एडिटोरियल में आपकी थोड़ी सी दिक्कत आ रही, बट कोशिश करूँगा आज या कल तक आपको मिल जाए। ये क्वेश्चंस मैंने जो आपको दिए हैं ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए हैं, और ये सारे कॉमन एरर्स हैं जो इंग्लिश में दिए जाते हैं। चूँकि आज स्टेनोग्राफर का पेपर है शाम को, और इसके अलावा भी आगे बहुत सारे पेपर्स जिनमें आपके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये काम आएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे होंगे और एक एक करके मैं सब समझा दे रहा हूँ, आप एक सरसरी निगाह से देखते जाएं। एक्चुअली ज़्यादातर क्वेश्चंस आप जानते हैं, ये मैंने एक रिमाइंडर के रूप में आपको दिया है, वो सारे क्वेश्चंस जो जनरली किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिए जाते हैं, तो जो आप जानते होंगे आप आगे बढ़ते जाइएगा, और जो आपको लगे कि नहीं आपको यहाँ रिमाइंडर की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पे है कि एज सून एज द मैन विल सी यू ही विल कॉल यू। ठीक है, एज सून एज द मैन विल सी यू ही विल कॉल यू। आपको याद होगा जब दोनों क्लाजेस हमारी फ्यूचर में होती हैं तो नॉर्मली जब कोई सेंटेंस हमारा एज सून एज से शुरू हो, इफ से शुरू हो, या फिर इन केस से शुरू हो, या फिर अनलेस से शुरू हो, ये है ना आपका। देखिए जैसे इफ से कोई वाक्य आपने शुरू कर लिया, इन केस से शुरू कर लिया, या अनलेस से शुरू कर लिया, अनटिल से शुरू कर लिया, या फिर प्रोवाइडेड से शुरू कर लिया, व्हेन से शुरू कर लिया, एज लॉन्ग एज से शुरू कर लिया, तो उस क्लास में जिसमें ये शुरू हुआ एज सून एज, इस क्लास में आप विल शैल का नॉर्मली प्रयोग नहीं करते हैं। यूजुअली इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं, और जो दूसरी क्लास होती है उससे फ्यूचर में रहती है, यानी सबॉर्डिनेट क्लास जो आपके अरे प्रिंसिपल क्लास जो है ये आपकी फ्यूचर में रहेगी, और ये जो एज सून एज वाली क्लास है या अनलेस की या अनटिल या इफ या इन केस या प्रोवाइडेड या वंस या व्हेन या आफ्टर या बिफोर या एज लॉन्ग एज, इनसे बनी जो क्लास होती है उसमें ये विल या शैल लेने की कोशिश न करें। यूजुअली नहीं होता है ऐसा, और कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे कोई अर्ज कर रहा हो रेगुलरली किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ हम इफ़ वाली क्लास में हम विल शैल का प्रयोग कर सकते हैं, ये रूल है, लेकिन नॉर्मल एग्जाम्स में दिया नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये विल वाला पोर्शन ए पोर्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, हार्डली ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। जब भी आप हार्डली देखें ना, तो आपके मन में चार शब्द तुरंत आ जाए, हार्डली है, स्कैर्सली है, रेयरली है, बेयरली है, ये चार वर्ड्स। ठीक है, इनसे संबंधित जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी वो ये हैं कि कभी भी अगर आपको जैसे हार्डली दिखाई दिया, ठीक है, ये समझ लीजिएगा हार्डली है, इसके बाद कुछ चीज़ें ध्यान में रख लें, इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमेशा, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश में व्हेन से होगा, व्हेन होता है ना, व्हेन से होगा। यानी अगर हार्डली आप देखें वाक्य के आरंभ में, ध्यान रखिएगा वाक्य के आरंभ में अगर आपको हार्डली या रेयरली होता है ना, रेयरली, स्कार्सली होता है और बेयरली होता है, ये चारों वर्ड्स अगर आपको दिखें इनके तुरंत बाद आपको पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा दूसरी क्लास का वो व्हेन से हो जाएगा। सारे बच्चे करीब करीब जानते हैं, बस ये रिमाइंडर ग्रुप में है, लेकिन इनके स्थान पे आगे हम पढ़ेंगे अगर नो सूनर आ जाता है तो नो सूनर के साथ भी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके, ठीक है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कभी व्हेन से नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशन आपका देन से होता है। ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जाम में आपके देन के स्थान पे ये दे दिया जाता है देन, तो यह गलत होता है, ये सही नहीं होता, टी एच ई एन नहीं होता है, टी एच ए एन होता है आपके यहां पे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे जो वाक्य आप देख रहे होंगे आपका है हार्डली ही हैड,
आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एरर तो एक ही पोर्शन में होगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हार्डली वाक्य के आरंभ में हो और उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाए, यानी ये पोर्शन आपका गलत है, ए पोर्शन आपका गलत हो जाएगा। यह हो जाएगा हार्डली हैड ही फिनिश हिज वर्क व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। नेक्स्ट आपका है नॉट ओनली ही इज कॉलिंग मी बट ऑल्सो गिविंग मी सम मनी। ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आपको दिए जाते हैं, ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को देखें कि अगर कोई वाक्य आपका नॉट ओनली से है, एक मिनट बस ये देखें, कोई वाक्य आपका अगर नॉट ओनली से है या ईदर डॉट डॉट आर से है या नीदर डॉट डॉट नॉर से है। नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन जानते होंगे आप, नॉर्मली बट आल्सो होता है, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप देखें तो हमेशा याद रखें कि दो चीजें आपको तय करनी है कि जो लास्ट वाला पोर्शन है जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है, ईदर के साथ आर है, नीदर के साथ नॉर है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है या हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जैसे एक सेंटेंस अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि नॉट ओनली ही ले लेते हैं, ही, ठीक है। अब जैसे नॉट ओनली ही आया तो हमारे मन में आना चाहिए कि हमारा बट आल्सो के बाद भी कोई सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन हमने देखा कि बट आल्सो के बाद यहां पर बट आल्सो रीड्स लिखा है आपने, ठीक। अब तुरंत समझ लें तो अगर बट आल्सो के बाद आपके पास रीड्स है, इसका मतलब ये नॉट ओनली की पोजीशन गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि बट आल्सो के बाद अगर रीड्स है, रीड्स यहां पे यानी वर्ब हमारे पास है, जबकि हमने नॉट ओनली के बाद क्या लिया हुआ है, ही लिया हुआ है, इट मींस नॉट ओनली की पोजीशन गलत है। या तो नॉट ओनली को मैं इनवर्जन के तहत हेल्पिंग वर्ब लें पहले, या फिर नॉट ओनली को वर्ब के पहले हम रखें, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये रूल आपका केवल नॉट ओनली के साथ नहीं होता है, ये रूल आपका ईदर डॉट डॉट आर और नीदर डॉट डॉट नार के साथ भी होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहां पे वाक्य था नॉट ओनली ही इज कॉलिंग मी बट आल्सो गिविंग मी सम मनी, ठीक है। क्लू देखें यहां पे, बट आल्सो के बाद क्या है आपके पास, गिविंग है, ठीक है, यानी यहां वर्ब है बट आल्सो के बाद। तो हम तुरंत देख लें कि क्या नॉट ओनली के बाद भी हमारे पास वर्ब है, नहीं है ना। देखिए नॉट ओनली के बाद क्या है, सब्जेक्ट आ गया, यानी नॉट ओनली की पोजीशन गलत है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कि नॉट ओनली को इज के बाद करें, ही इज नॉट ओनली लें यहां पे, ठीक है, ये नॉट ओनली आपका इज के बाद आए। दूसरा भी ऑप्शन आपके पास है कि इज जो है इन्वर्जन करके आप ही के पहले कर दें, तब क्या हो जाएगा, Not only is he calling me, but also giving me some money. तब ये वाक्य सही हो जाएगा, यानी A portion में आपका error हो जाएगा। फिर से ध्यान रखिएगा, या तो he is not only ले और या तो not only is he ले ले आप। चलिए next question देखते हैं। Either you have made this mistake or have not done that word carelessly. ध्यान से देखें। Either you have made this mistake, हो गया एक क्लास, or have not done that work carelessly. मैंने क्या कहा था, either dot dot r में, neither dot dot nor में, और not only but also में, but also r या nor clue होंगे। चलिए देखते हैं, r के बाद देखें क्या है, r के बाद है have not done, यानी हमारी क्या है main verb यहां पे है, और either के बाद क्या है आपके पास, subject है, यानी इधर की पोजीशन गलत है ना। ये इधर कहां होना चाहिए था, हमारे पास ये सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए था ना। तो आएगा यू हैव इधर मेड दिस मिस्टेक आर हैव नॉट डन दैट वर्क कैरेक्टरली, ठीक है। अब यहां पे इधर यू हैव मेड दिस मिस्टेक, अब ये जो इधर है ना, बस या तो यहां कर दें, या दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप इस हैव को यहां कर दें, राइट ना। इधर हैव यू मेड This mistake or have not done that work carelessly. यानी ये portion आपका A में error माना जाएगा। चलिए next question आपका है Neither my father called me nor my brother.
समझिए देखिए ध्यान से, अब धीरे तीन वाक्य मैंने क्रम से आपको इस तरह के दिए क्योंकि रेगुलरली आपके एग्जाम्स में दे जाते हैं। तो नॉर माई ब्रदर, ठीक है, नॉर के बाद क्या है आपके पास, माई ब्रदर, या माई ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नीदर माई फादर कॉल्ड मी नॉर माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर ये वाक्य आपका सही माना जा सकता है, लेकिन हमने कोई क्लास तो लिया नहीं यहाँ पे, हमने जब कोई क्लास नहीं लिया तो हम इससे क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो हम देख रहे हैं नीदर के बाद तो हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी ये पोर्शन हमारा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। वास्तव में नीदर कहाँ होना चाहिए था पता है, नीदर होना चाहिए था माई फादर कॉल्ड मी, अब यहां हो जाएगा नॉर माई ब्रदर, ठीक है। यानी अभी नीदर आपका आ जाएगा माई फादर कॉल्ड नीदर मी नॉर माई ब्रदर, हो जाएगा ना। फिर से देख लें, माई फादर नीदर कॉल्ड मी नॉर माई ब्रदर, क्यों, क्योंकि माई फादर सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब हो गई, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं मी और माई ब्रदर, इसका मतलब हमारा वाक्य होना चाहिए था माई फादर कॉल्ड, और अब नीदर जाएगा ऑब्जेक्ट के पहले, क्यों ऑब्जेक्ट के पहले जाएगा, क्योंकि नॉर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पहला ऑब्जेक्ट मी था आपका, तो जाएगा माई फादर कॉल्ड नीदर मी नॉर माई ब्रदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एज वेल एज माई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली टू परचेज सम आइटम्स, ध्यान से देखें, कभी भी आपको एज वेल एज का प्रयोग किया गया है, या फिर बिसाइड्स का प्रयोग किया गया है, या फिर एंड नॉट का प्रयोग किया गया है, इंक्लूडिंग का प्रयोग किया गया है, एक्सक्लूडिंग का प्रयोग किया गया है, गवर्न्ड बाय का प्रयोग है, कंट्रोल्ड बाय का प्रयोग है, लेड बाय का प्रयोग है, ऑर्गेनाइज्ड बाय का प्रयोग है, या फिर आपको विद का प्रयोग है, अलॉन्ग विद का प्रयोग है, टुगेदर विद का प्रयोग है, यदि वो यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कभी भी हमको बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलना होता है, हमको पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलना होता है। तो हमारा एज वेल एज से पहले क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या आर आएगा वर्ब के रूप में, नहीं आएगा ना, आई के साथ क्या आना चाहिए था, एम आना चाहिए था, यानी यहाँ पर आर के स्थान पर एम हो जाएगा, तो आई एज वेल एज माई स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू दिल्ली टू परचेज सम आइटम्स हो जाएगा, यानी ए पोर्शन में न होकर के बी पोर्शन में गलती आपकी है, आर के स्थान पे एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू विल, आगे बढ़े ही ना, आप यही समझ जाएं कि इफ वाले क्लास में नॉर्मली आप विल शैल का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये पोर्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू डू नॉट फुलफिल माई डिमांड्स, जनरली ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप जैसे आपने देखा कि अनलेस वाले क्लास में डू नॉट है, तो अनलेस तो खुद ही नेगेटिव है ना, तो फिर नॉट कैसे आएगा, तो जाएगा आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू फुलफिल माई डिमांड्स, डू नॉट हट जाएगा। एक और चीज़ है, अगर आप चाहें तो अनलेस के स्थान पर अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शर्त से ज़्यादा समय का भाव प्रकट हो रहा है, तो वाक्य ऐसे भी हो सकता था आई विल नॉट लेट यू गो अनटिल यू फुलफिल माई डिमांड्स हो जाएगा। यानी ध्यान रखें बस कि अनलेस और अनटिल वाली क्लास में आप, इवन लेस्ट वाली क्लास में भी, विदाउट वाली क्लास में भी आप नॉट लेने की कोशिश न करें, क्योंकि खुद ही नेगेटिव्स होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेगा, हार्डली स्कैर्सली रेयरली और बेयरली भी नेगेटिव होते हैं, लिटिल और फ्यू भी नेगेटिव्स होते हैं, तो इनमें भी डू नॉट या नॉट वगैरह लेने की कोशिश न करें आप, यानी आपकी जो एरर पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी पोर्शन। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, दिस मैन लाफ्स एज इफ ही वॉज मैड, कभी भी अगर एज इफ या एज दो का प्रयोग किया गया है और दूसरी क्लास में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वास का प्रयोग किया गया है तो गलत माना जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल लेते हैं आप तो जो वास है वो वास न होकर के वर हो जाता है, दिस मैन लाफ्स एज इफ ही वर मैड हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई हैव बीन नोविंग यू फॉर मोर देन थ्री ईयर्स, जनरली देख के आपको ऐसा लगेगा यहाँ फॉर मोर देन थ्री ईयर्स है तो आई हैव बीन नोविंग यहाँ पे सही होना चाहिए, बट आपको पढ़ाया गया होगा, जरूर पढ़ा होगा आपने, कभी भी अगर नो का प्रयोग है, अंडरस्टैंड का प्रयोग है, और भी आपके वर्ब्स हैं, प्रीफर का प्रयोग है, हेट का प्रयोग है, लव का प्रयोग है, थिंक का प्रयोग है, कॉस्ट का प्रयोग है,
एग्री का प्रयोग है, डिसएग्री का प्रयोग है, बिलीव का प्रयोग है, डिसबिलीव का प्रयोग है, और भी वर्ब्स अगर आपके याद हो आपको, जैसे बिलोंग स्पेशली बहुत बार एग्जाम में दिया जाता है, बिलोंग का प्रयोग है, ओन का प्रयोग है, हैव का प्रयोग है, अगर यह एक बीइंग वर्ब के रूप में यूज हो रही, जैसे अब हम आपको जान रहे हैं, ये कोई कार्य तो हम कर नहीं रहे, ये तो एक अवस्था है ना हमारी, तो फिर कभी भी उस वर्ब को, यानी चाहे वो नो हो, चाहे अंडरस्टैंड हो, चाहे बिलोंग हो, ऐसी वर्ब्स को आप आईएनजी में यूज ना करें। जो टेंस दिया गया है उसके पहले वाला ले लें, जैसे यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है तो आप इसे परफेक्ट में ले लें, तो क्या होना चाहिए, आई हैव बीन नोइंग के स्थान पे आई हैव नोन हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आई हैव नोन यू फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने कहा बिल्कुल सर्दी जुकाम खांसी हो गया, बुखार हुआ है, तो आवाज़ थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम रहेगी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप समझ सकें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो सूनर डिड आई लीव द प्लेस व्हेन माय रिलेटिव कॉल्ड मी, नो सूनर, जैसे देखा आपने ना, तुरंत अभी आगे मैंने समझाया था, नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी, है यहाँ पर, यानी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब फिर आगे हम बढ़ें तो सोचेंगे दो जगह में से एक प्रॉब्लम हो सकती है, डिड है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है यहाँ भी कोई एरर नहीं, सही यहाँ पे है, तो फिर एक और एरर हो सकती है कि नो सूनर के साथ देखिए व्हेन दिया गया। आप जानते होंगे कि जब भी हम हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली या बेयरली का प्रयोग करें उसका कम्बिनेशन व्हेन से बनाते हैं इन्वर्जन में, और अगर हम ऐसे यूज करते हैं, नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो व्हेन का प्रयोग न करके देन का प्रयोग कर लेते हैं, यानी व्हेन के स्थान पे यहां पर देन हो जाएगा, यानी सी पोर्शन में एरर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है आपका, ही इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे, ठीक है, याद होगा आपको कभी भी अगर कंपैरेटिवली का प्रयोग है, रिलेटिवली का प्रयोग है या फेयरली का प्रयोग है तो इसके बाद आप कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना होता है, ही इज कंपेरेटिवली गुड टुडे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कंपेरेटिवली, रिलेटिवली और फेयरली के साथ कंपेरेटिव ना लेकर के पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन और हैं, कुल मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में और आगे भी आपके काम आएंगे। आई कैन रन फास्टर देन हिम, कंपैरिजन तो हमेशा समान होता है ना, तो हमारा अगर देखेंगे आई का कंपैरिजन किससे है, हिम से है, तो अगर हिम का कंपैरिजन हम आई से करेंगे तो कैसे होगा, आई कौन से केस में हमारे है, नॉमिनेटिव केस में है, हिम कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो कंपैरिजन तो बराबर होगा, तो देन या एस के बाद वही केस आता है जो देन या एस के पहले है, यहां तो देन के पहले नॉमिनेटिव केस है आई, तो फिर देन के बाद भी नॉमिनेटिव केस होगा, तो हिम के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यानी यहां सी पोर्शन में एरर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ही इज वन ऑफ द बिजनेसमैन हु आर डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टू देयर वर्क, हमेशा याद रखिएगा वन ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद कभी भी सिंगुलर नहीं आ सकता, ये जो द बिजनेस मैन यहाँ सिंगुलर लगाया गया है ये कभी नहीं हो सकता है, इनके बाद हमेशा प्लूरल आएगा क्योंकि उनमें से वो एक है ना, तो फिर ही इज वन ऑफ द बिजनेस मैन हो जाएगा, वैसे देखिए हु के साथ यहाँ पे आर लिया गया है यानी बिजनेस मैन होगा यहाँ। अ लिटिल मनी यू हैव इज नॉट एनफ फॉर यू, लिटिल मनी वो थोड़े से पैसे यू हैव जो तुम्हारे पास हैं इज नॉट एनफ फॉर यू, ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगा और लिटिल या द लिटिल या लिटिल को लेकर के मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप आराम से देखिएगा अच्छे से आपको समझ में आएगा, बहुत सारे बच्चों को यहां मैं शॉर्ट में आपको ये समझा दे रहा हूं कि हाँ हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लॉज है ना, यू हैव जो तुम्हारे पास है, जब भी लिटिल या फ्यू के साथ एक एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ी हुई होती है तो फिर अ लिटिल या अ फ्यू ना होकर के द लिटिल या द फ्यू हो जाएगा, तो यहां पे अ लिटिल का स्थान पे द लिटिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही हैज फ्यू चेयर्स बट ही डज नॉट विश टू गिव मी टू सिट ऑन, उसके पास न के बराबर कुर्सियां हैं बट ही डज नॉट विश टू गिव मी टू सिट ऑन, लेकिन वो मुझे कुछ बैठने को नहीं दे रहा है, यानी होंगी तभी तो देगा ना वो, यानी यहां पे फ्यू ना होकर के बेहतर क्या होगा आपके लिए, अ फ्यू ले आप,
क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं लेकिन मुझे बैठने को नहीं दे रहा है, इट मीन्स उसके पास कुछ है फिर भी नहीं दे रहा है, तो यहां बेहतर होगा ही हैज अ फ्यू चेयर्स, ले लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑल द फर्नीचर, सारे बच्चे जानते होंगे कभी भी अगर आपको फर्नीचर का प्रयोग करना है, सीनरी का प्रयोग करना है, ब्रेड का प्रयोग करना है, पोएट्री का प्रयोग करना है, इवन हेयर का प्रयोग करना है, ब्रिक का प्रयोग करना है, स्टोन का प्रयोग करना है, मार्बल का प्रयोग करना है, डर्ट का प्रयोग करना है, डस्ट का प्रयोग करना है, और भी अगर आपको याद हो बैगेस का प्रयोग करना है, पोस्टेज का प्रयोग करना है, ड्रेनेज का प्रयोग करना है, वेस्टेज का प्रयोग करना है, और भी अगर आपको याद हो आयल का प्रयोग करना है, सोप का प्रयोग करना है, मिस्चीफ का प्रयोग करना है, बहुत सारी नाउंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली सिंगुलर में आप यूज करते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो इनके पहले ए एन का प्रयोग न करें और इसको प्लूरल बनाने की कोशिश न करें। प्लूरल बनाया जाता है बट दूसरे तरीके से, जैसे पीसेज ऑफ फर्नीचर हो सकता है, आइटम्स ऑफ फर्नीचर हो सकता है, बट सॉरी आइटम्स ऑफ फर्नीचर हो सकता है, पीसेज ऑफ फर्नीचर हो सकता है, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर हो सकता है, बट फर्नीचर्स लेने की कोशिश ना करें। जो ऑल द फर्नीचर्स है ये गलत है, ऑल द फर्नीचर हो जाएगा। अगर आप करना ही चाहते हैं तो ऑल द आइटम्स ऑफ फर्नीचर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईदर ऑफ दीज थ्री बॉयज, जैसे आपने देखा ईदर ऑफ, तो तुरंत मन में आ जाए दो चीज कि नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, तो ईदर ऑफ दीज थ्री बॉयज हैज, ये तो सही, थ्री बॉयज भी है और हैज भी, फिर क्या गलत है? ईदर ऑफ का प्रयोग तभी करते हैं जब दो चीजें हो, न कि दो से अधिक हो। तो अगर तीन लड़के हैं तो फिर ईदर ऑफ कभी नहीं आ सकता है, वहां पे एनी ऑफ आ जाएगा, ठीक है, एनी ऑफ हो जाएगा, न कि ईदर ऑफ। दो लोगों के लिए ईदर ऑफ होता है, दो से अधिक के लिए एनी ऑफ होता है। ऐसे ही दो लोगों के लिए नीदर ऑफ होता है, दो से अधिक लोगों के लिए नन ऑफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यानी यहां जो बच्चे ने समझ पाए देख लें, Either of these three के स्थान पे any of these three boys has committed this crime हो जाएगा। Next, neither of these two pens, ये तो सही आपकी है, लेकिन गलत क्या हो गया फिर, क्योंकि यहाँ पे R दे दिया गया, तो neither के साथ R कैसे आएगा, neither of these two pens is cheap and good हो जाएगा। Next question आपका है, you have your lunch at 2 o'clock, hasn't you? सबसे बड़ी चीज आप ये समझ रहे होंगे, you के साथ have है, यहाँ हैज तो कभी नहीं आएगा। एक और चीज, अगर आप चाहें तो यहाँ हैजंट या हैवेंट यू लेने के बजाय आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं, ये देखिएगा काम आएगा, डोंट, क्यों, क्योंकि यू हैव योर लंच एट 2 o'clock लिखा है, यानी यह एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मेन वर्ब के रूप में है, तो आपकी प्रेफरेंस डोंट होनी चाहिए न कि हैवेंट होनी चाहिए, वैसे सही दोनों को माना जाता है। फिलहाल एरर आपकी हो जाएगी सी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिज फादर आस्क्ड हिम हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक, ये देखिए वाक्य, हिज फादर आस्क्ड हिम, साधारण वाक्य है ना, असर्टिव, तो अगली क्लास हर हाल में साधारण होगी, तो जाएगा हाउ कुड ही, गलत है ना, ये ही पहले आ जाएगा, हाउ ही कुड मेक सच अ मिस्टेक हो जाएगा, यानी बी पोर्शन में एरर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैड स्कॉर्शली लेफ्ट हिज रूम When his friend reached his home, छात्र बच्चों को लगेगा गलत है ये तो, उल्टा हो गया ये सब, ऐसा नहीं बाबू, ठीक है, ध्यान रखें जब स्कॉर्शली, रेयरली, बेयरली या नो सूनर वगैरह का प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के बात करते हैं तो फिर इन्वर्सन नहीं होता है, तो फिर हैड जो रहेगा वो ही के बाद ही आएगा। ये वाक्य सही आपका है, ही हैड स्कॉर्शली लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे देखे, ही हैड स्कॉर्शली लेफ्ट हिज रूम, और वेन का कॉम्बिनेशन भी है, कोई एरर इस वाक्य में नहीं, सही वाक्य आपका। नेक्स्ट, आई सजेस्ट यू दैट यू शुड नॉट बाई दीज यूजलेस बुक्स, आपको याद होगा जब भी आप सजेस्ट का प्रयोग करते हैं, जब भी आप प्रपोज का प्रयोग करते हैं, जब भी आप रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं, जब भी आप राइट का प्रयोग करते हैं, जब भी आप स्पीक का प्रयोग करते हैं, जब भी आप प्रे का प्रयोग करते हैं, तो इनके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसके पहले हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, तो यू कैन नॉट राइट आई सजेस्ट यू, यू कैन नॉट राइट आई रिपोर्ट यू, यू कैन नॉट राइट आई रोट यू, गलत है, आई रोट टू यू, आई स्पोक टू यू, तो आई सजेस्ट टू यू हो जाएगा, तो आई सजेस्ट टू यू दैट यू शुड नॉट बाई दीज यूजलेस बुक्स हो जाएगा, यानी ए पोर्शन में एरर हो जाएगा। दो और क्वेश्चन आपके हैं, यू ही एंड आई हैव कमिटेड दिस ब्लंडर,
नॉर्मली बच्चों को याद रहता है कि हमारे जो प्रोनाउन का क्रम होता है वो 2 3 1 होता है, लेकिन अब के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, तो उन्हें ये भी याद रहता है कि अगर हम कहीं ब्लंडर की बात करते हैं, कोई अपराध कोई दोष की बात करते हैं, तो हमारा क्रम 2 3 1 न हो करके 1 2 3 हो जाता है। याद करें 1 2 3 हो जाएगा ना, अगर 1 2 3 होगा इसका मतलब ये जो है हमारा एरर पोर्शन गलत है ना, यहाँ आई यू एंड ही हो जाएगा आपका, यानी ए पोर्शन में एरर है यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, आई हैव एज मच स्टूडेंट्स एज ही हैज। आप जानते हैं एज मच का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ अनकाउंटेबल होता है, हमारे पास यहाँ अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, तो फिर यहाँ पर आपको मच नहीं किसका प्रयोग करना होगा, मैनी का प्रयोग करना होगा, तो जाएगा आई हैव एज मैनी स्टूडेंट्स एज ही हैज हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे दिमाग में हैं, जो एग्ज़ाम में आपके दिए जा सकते हैं, दिए जाते हैं, बट ये 25 क्वेश्चन थे चूँकि कुल मिला के, तो मुझे लगा कि इकट्ठे ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको 25 क्वेश्चन से दिए। ठीक है, आप इन पर मेहनत करें और निश्चित ही ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, विश्वास करें जरूर काम आएंगे। और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हुई हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है बोलने की, बहुत ज़्यादा कफ वगैरह हो गई है और सर्दी वगैरह जकड़ ली है, बुखार वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से इसलिए थोड़ी सी लापरवाही भी हुई, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी हेल्प कर दूँ मैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।